परिंदों की चहचहाहट सुनना बहुत ही महसूर कन लगता है और जनाब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सारे दोनों जो लॉन है उनमें खाद वगैरह डलवानी है तो चलते हैं लेकिन आज उनका कोई पेशेंट थे तो फ़ोन आ गया तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी चला जाता हूँ आज तो कल चलेंगे ना खाद वगैरह लेने मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसा करती हूँ कि अभी इतने में ना आज तो मालिक को फिर नहीं बुलाते कल ही बुलाएंगे ताकि एक दफ़ा ही सारा काम हो जाए तो मैं ना इतने में सोच रही थी कि मैं कोई थोड़ी सी गोडी शोडी कर दूं और जनाब क्योंकि अगर उसने भी कल आके गोडी करनी है तो जितने जितनी मेरे से होती है थोड़ी बहुत जो ये गमले पड़े में हैं तो उनको मैं कर देती हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा तो सारे काम जल्दी हो जाएंगे ना सारे दोनों लानों में खाद वग़ैरह डाल जाएगी क्योंकि खाद डालने से ना पौधों में इतनी जान आ जाती है ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई फिलहाल अभी हर हफ्ते जो है ना खाद डलवाया करो ताकि क्योंकि हमारे ना यहाँ मिट्टी जो है ना इतनी ताकतवर नहीं है तो जब तक उसमें खाद ना ना मिलाकर डाली जाए तो वो पौधे जो है ना जान नहीं पकड़ते फिर तो मैं ये काम कर रही थी और काफी सारे वैसे मैं काम कर लेती हूँ अभी आप लोगों के साथ मैंने थोड़े बहुत ही डिस्कस किए हैं जो मैं घर में क्लीनिंग ये वो करती हूँ लेकिन अभी फिलहाल आहिस्ता आस्ता आप लोगों को बताऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ <laughs> और जी मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल भी जाती हूँ क्यों जाती हूँ वो भी आपको बताऊंगी मैं वहां पे जाके क्या क्या करती हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे हॉस्पिटल में क्यों इन्वॉल्व किया हुआ है सब कुछ आपको बताऊंगी और आस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी हॉबीज क्या क्या है तभी तो कहती हूँ ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए सब काम करने चाहिए हम औरतों में इतनी पावर होती है माशाल्लाह सब कुछ कर सकती हैं जो हमारे आ, सर पे पड़ जाता है ना अगर कोई काम तो हम उसको कंप्लीट करके ही दम लेती हैं कैसा है ऐसी बात है ना हम लेडीज कमज़ोर नहीं हैं है ना और जी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरा ख्याल है कुछ इंसानों के अंदर से ना बचपना नहीं जाता और मैं उनमें से एक ऊँची जिसके अंदर से नहीं गया जी अभी बेल हुई तो मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी फ्रेंड आई थी आ, मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है और ये अपनी बेटी के साथ आई थी इन्होंने कुछ चीजें देनी थी मुझे अपनी तो ये जनाब आज हमने जाना था एक शादी पे अपनी आ, दोस्त की बेटी की आपको पता है, ये मैं मेहंदी पे गई थी और आज जो है ना बारात थी तो उधर जाना था और इनकी तबीयत खराब थी इन्होंने बोला कि मैंने कहा कि मेरी स्ट्रीट में इनका घर है तो इन्होंने कहा कि मैंने आ, जो उनको सलामी वगैरह देनी है तो वो आप ले जाना तो दे देना और कुछ सामान भी इन्होंने देना था तो वो भी जो है ना मुझे दे दिया उन्होंने और कुछ पैसे भी किसी के देने थे वो भी इन्होंने मुझे दिए खैर मैंने इन्हें बोला कि अंदर आ जाए इन्होंने कहा नहीं मुझे देर हो रही है मैंने जो है ना घर जाना है तो बस काम शाम है तो मैं चलती हूँ खैर फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि मेरे बेटे ने बोला था कि मेरे हस्बैंड ने और मैंने जाना था जाना तो हम सब ने था लेकिन मेरे बेटे ने बोला नहीं मामा मैंने नहीं जाना तो मेरा तो वहाँ पे कोई वाकफियत किसी के साथ नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा बोर हो जाऊँगा तो आप लोग चले जाओ और मुझे उसे बोला कि मामा आप मुझे पुलाव बना दो खैर मैंने तो उसे बड़ा कहा कि मैं आपको के वगैरह या मैकडोनल मंगवा देती हूँ तो इसको बड़ा अच्छा लगता है लेकिन आज तो उसे पुलाव ही खाना था तो मुझे ये था कि चलो मैं कोई अगर मैं कुछ मंगवा दूंगी तो मेरा टाइम बच जाएगा तो मैं कुछ और कर लूँ क्योंकि आपको पता ही है कि लेडीज ने अगर कहीं जाना हो तो समझ तो आती कोई नहीं कि कपड़े कौन से पहन के जाए तो अभी तो मैंने सिलेक्शन भी करनी थी जनाब तो खैर मैंने यहाँ पर जनाब पुलाओ की तैयारी शुरू कर दी और इसने बोला कि मामा मैंने बीफ पुलाव खाना है तो बस यहाँ पर बना रही हूँ जनाब बीफ पुलाओ और आम तरीके से ही बना रही हूँ बस मैंने मसाला वगैरह बना लिया था और उसमें अब चावल डाल दिए हैं उसके अंदर बाद में यखनी और ये क्या नाम है गोश्त वगैरह यखनी और चावल वगैरह मिक्स करके डाल दिए थे मैंने और फिर इसमें मैंने कोयले का धुआं भी लगाना था वो साइड पर देख रहे हैं आप कोयला भी जो है ना दहकने लगा हुआ है और ये खाता है धुएं वाले चावल तो वो बस मैं उसके बाद दम पे लगा दिए थे और उसके बाद जनाब मैं तैयार श्यार होके जब हम निकले तो मैं भूल गई मजे की बात बताऊ आपको कि मैं भूल गई कि मैं जनाब जो सलामी सलामी है ना वो अपनी अलमारी में ही रख के चली गई जो काम करना था ना जो देने थे वो घर ही रख के भूल गई फिर वापिस आई दोबारा और फिर लेने आई ये तो मेरा हाल था मैंने कहा इतनी दूर जाना था और फिर जनाब वापस आते हैं हम ना तो तो खैर ज़ाहिर है इस्लामी वगैरह कवर ना हुई भी हो तो अच्छी नहीं लगती है तो फिर बुरा लगता है तो मैंने सोचा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेले से ही याद आ गया नहीं तो फिर मैं क्या करती ना खैर जनाब यहाँ पर हम आ गए गोल्डन पाम यहाँ पर बारात थी और सारी फ्रेंड्स थी हम आ रही यहाँ पर क्योंकि जब हमारे किसी फ्रेंड्स की शादी हो, की बेटी की शादी होती है ना तो सब जो है ना कोशिश करती हैं कि सब जाएं सब पार्टिसिपेट करें कुछ ना कुछ करें मेहंदी करें माइयों करें कुछ भी कुछ करें ऐसा ना तो खैर बड़ा अच्छा लगता है मिलके जब हम सब करती हैं तो यहाँ पर बहुत रश था और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम उतर जाओ तो मैं जेंट्स वाली साइड पे चला जाऊंगा तो तुम जो है ना चली जाओ पहले शादी भी जो है ना एक बहुत बड़ा मरल होता है मैं कहती हूँ कि बड़ी हिम्मत होती है उन पेरेंट्स की जो अपनी बेटियों को ब्याह कर जो है ना भेज देते हैं किसी और के घर ज़ाहिर है हम भी आए हुए हैं लेकिन बेटियों को मेरा ख़्या भेजना बहुत मुश्किल काम होता है और जिनके बेटे होते हैं जिनके घर में बेटियां आनी होती हैं वो तो माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि जनाब उनके घर तो बेटियां आनी है ख़ुशी खुशी, खुशी से बारात लेकर आ जाते हैं लेकिन जिनकी बेटियों ने जाना होता है ना उनके तो दिल जो है ना ऐसे बुरे हुए होते हैं ना कि बस आ, वो तो वही माँ बाप समझ सकते हैं जो अपनी बेटियों को ना भेजते हैं मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं ना तो उनके मुंह लटक जाते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं और कुछ तो अपने अपनी फैमिली में भी देखे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने आपको आपके घर में रहमत दी है तो बेटियों की कदर करनी चाहिए आप यकीन करें मैंने अपनी आँखों से ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको खुशी नहीं होती है कि हमारे घर बेटी हुई है बीवियों से लड़ते हैं भाई बेटियाँ अगर दी हैं तो अल्लाह ताला ने दी हैं ना अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है बेटियों से तो उसमें बेचारी बीवी का क्या कसूर है बस मैं तो इतना ही कहूँगी उन पेरेंट्स को जिन जिन के घर में बेटियां अपनी बेटियों की बहुत कदर करें अगर बेटे नेमत है ना तो बेटियां रहमत हैं नेमतों का हिसाब होगा रहमतों का हिसाब नहीं होगा बेटियाँ तो शहजादियाँ होती हैं बेटियों जो बेटियाँ होती हैं ना वो अपने माँ बाप का इतना करती हैं ना कि बयान से बाहर है, है ना जिन जिन की बेटियां हैं ना वो समझ सकते हैं तो इसलिए अपनी बेटियों की बहुत कदर करें आगे कोई पता नहीं होता किस किस्म का माहौल मिले कैसे कैसे लोग मिलें अल्लाह ताला सब बच्चियों की किस्मत अच्छी करे लेकिन आपके घर में जब तक वो हैं ना उनकी बहुत कदर करें क्योंकि जब आप उनके साथ अच्छा करेंगे आप उनके लिए अच्छे होंगे ना तो आगे भी उनको उ, उसी जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही मिलेगा इसलिए अपनी बेटियों को, को बहुत प्यार करें और उनकी बहुत कदर करें तो जनाब ये था मेरा व्लॉग मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़